Hope you are doing well. Welcome to Agri Sylvi. Today, बहुत सारे important soil science के MCQ हम discuss करेंगे. So, be attentive, be an optimist. Let's start. First question, molybdate reagent is used for estimation of. देखिए, molybdate reagent मतलब आपको ये पता होना चाहिए. हम जो extra tank use कर रहे हैं, वो होता है sodium bicarbonate. Okay? तो molybdate reagent हम किसके लिए use करते हैं? So, इसका आंसर होगा फास्फोरस. अब याद रख लीजिए, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए MOP, म्यूराइट ऑफ पोटास. ऐसे याद रख लीजिए MOP. सो MO फॉर मॉलिब्डेनम, P फॉर पोटास. इसको ऐसे टेस्ट किया जाता है. तो लाइम रिक्वायरमेंट जो है उस फॉर्मूला को किसने डेवलप किए थे? तो लाइम रिक्वायरमेंट जो फॉर्मूला है उसको डेवलप किए थे शूमेकर ने. सो इसको याद रखने के लिए सबसे आसान सा फॉर्मूला आप ये रखिए कि लाइम, लाइम जो होता है लाइमस्टोन. अगर आप कहीं पे भी लाइमस्टोन एरिया में चले जाएंगे तो आपके शू में लाइम लग जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा आपका शू. तो वैसे याद रख लीजिए लाइम रिक्वायरमेंट शू मेकर. इन्होंने डिस्कवर किए थे. एटल लगता है जब कोई एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कुछ नया डिस्कवर मतलब करेंगे तभी एटल का यूज करते हैं हम. तो शू मेकर एटल. देन इंडिकेटर प्लांट ऑफ कपर. देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कि अगर कोई भी एक स्पेशल एलिमेंट डिफिशियंसी हो जाता है तो वो नोटिस में आ जाता है. इसीलिए आपको याद रखने सब इंपोर्टेंट प्लांट, जैसे कि ग्लैडियोलस. ग्लैडियोलस एक ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है. और फ्लोरिन का डिफिशियंसी अगर होगा तो ग्लैडियोलस में वो सिम्टम शो कर जाएगा, इसीलिए ग्लैडियोलस फ्लोरिन होगा. देन फॉर मेज, जिंक डिफिशियंसी कैन इजिली रिकॉग्नाइज इन मेज. देन अगर हम कॉपर की बात करें तो व्हीट, कॉपर डेफिशिएंसी व्हीट में ज्यादातर पाया जाता है. ओके. देन एस्परजिलस नाइजर इज यूज्ड टू टेस्ट द स्टेटस ऑफ व्हिच एलिमेंट इन द सॉइल. देखिए ये बहुत ही आसान, आप कैसे याद रखेंगे? एस फॉर पोटेशियम, ये टर्म को याद रख लीजिए, एस फॉर पोटेशियम. तो एस्परजिलस जब भी आएगा आपको पोटेशियम पे क्लिक करना है. ओके, सिंपल. देन मेलिस, जो मेलिस प्लेग मेथड है ना उसको हम यूज करते हैं फास्फोरस को टेस्ट करने के लिए. देखिए फास्फोरस को वैसे तो बहुत सारे मेथड है टेस्ट करने के लिए, पर मेलिस प्लेग मेथड इतना अच्छा मेथड नहीं है, कॉस्टली भी है और अच्छा मेथड नहीं. इसको जनरली हम यूज नहीं करते, पर एग्जाम में तो पूछ सकता है ना, तो याद रखेंगे मेलिस फास्फोरस के लिए. देन ये है जो पैरेंट मेटेरियल में जो क्रम्पिंग होता है. ओके, पैरेंट मेटेरियल में जो क्रम्पिंग होता है ड्यू टू वेदरिंग, और आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज होने के बाद पैरेंट मेटेरियल में क्रम्पिंग होगा और मिनरल में कंट्रैक्शन होगा, सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेंडर. याद रखेंगे मेंडर एक्चुअली होता क्या है, जो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो भी पैरेंट मेटेरियल में जो कंट्रैक्शन ऑफ मिनरल होता है उसे मेंडर बोलते हैं. द टर्म कैटेना, कैटेना वाज इंट्रोड्यूस बाई, कैटेना को इंट्रोड्यूस किए थे मिल ने. ओके, याद रखेंगे मिल ने, कैट मिल, ऐसे रिलेट करके याद रख लिए. तो ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है ये तो बहुत ही आसान सा चीज है, फिर भी नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कैसा होता है. सो इसको ये होगा आंसर. पहले इनिशियल स्टेज में होता है सॉइल फॉर्मेशन, देन जुबेलाइन, देन वायरल. वायरल को आप ऐसे याद रख सकते हैं वेटरन, जो हमारे कॉलेज में वेटरन होता है. उसके बाद सीनियर, उसे सेनाइल आप ऐसे रिलेट कर लीजिए. देन फाइनल ईयर, ऐसे रेड करके याद रख लीजिए. अभी डिटेल में देखते हैं क्या क्या एक्चुअली चीजें हैं. देखिए मैंने आपको बताया था फास्फोरस टेस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड है. अमंग दैट ब्रेस मेथड, ओल्सन्स मेथड एंड मेलिच थ्री मेथड जनरली हम करते हैं, पर जनरली हम ब्रेस ओल्सन मेथड को प्रिफर करते हैं. और लैबोरेटरी में हम ओल्सन मेथड कर चुके हैं, पर एग्जाम में अभी कुछ भी आ सकता है. ब्रेस आप याद रखेंगे, मेलिस भी याद रखेंगे. ओके, ये फास्फोरस को टेस्ट करने के लिए होता है. ये M3 के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं. M3 एक्सट्रैक्टिंग विथ एन ICP. ओके, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड फास्फोरस यूजुअली मेजर बिटवीन 10 एंड 15 ppm. यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 10 टू 15 ppm से ज्यादा होगा तभी हम ये M3 मेथड को प्रिफर करेंगे, नहीं तो इट विल नॉट वर्क. ओके, सो ब्रे ऑल्सन एंड मेलिच. देन ब्रूसाइट क्ले मिनरल, जिप्साइट क्ले मिनरल,
सो ब्रूसाइट इज ए ट्राई ऑक्टाहेड्रल मिनरल और आप देख सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला Mg हाइड्रोक्साइड ओके। और ये जो अंदर वाला जो है वो सेल है Mg का और जो बाहर वाला है वो सारे के सारे है हाइड्रोक्साइड का। तो याद रखेंगे ब्रूसाइट ट्राई ऑक्टाहेड्रल। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं वो हम देखेंगे, नेक्स्ट सवाल इससे रिलेटेड है। देन डाई ऑक्टाहेड्रल जिप्साइट क्लेमिनल इज ए डाई ऑक्टाहेड्रल क्लेमिनल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम अंदर रहेगा और हाइड्रोक्साइड बाहर रहेगा। सो रिमेंबर ब्रूसाइट डाई ऑक्टाहेड्रल, जिप्साइट डाई ऑक्टाहेड्रल। जेंस सिडेराइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिडेराइट आयरन कार्बोनेट होता है और ये सिडेराइट का डिकम्पोजिशन प्रोसेस आप बोल सकते हैं, वेदरिंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं, कुछ भी, पर याद रखिए सिडेराइट का केमिकल फॉर्मूला इज आयरन कार्बन FeCO3। नाउ क्वेश्चन इज विच साइंस अजर्व्स दैट इज स्टेटस ऑफ पेट्रोलॉजी। देखिए पेट्रोलॉजी के बारे में भी बोलता है, पेडोग्राफी के बारे में भी बोलता है एंड पेडोजेनेसिस के बारे में बोलता है। सो दैट्स आंसर इज पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल साइंस। देखिए दो तरह के होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत ही बार, एक बार हिंट दे देता हूँ, पेडोलॉजी एंड एलापोलॉजी। पेडोलॉजी रिलेटेड टू सॉइल जेनेसिस ओके, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, और एडापोलॉजी रिलेटेड टू प्लांट प्रोडक्टिविटी मीन्स इन रिलेशन टू सॉइल प्लांट कैसे प्रोडक्शन करता है, वो होता है एडापोलॉजी। देन ये जो क्ले मिनरल 2:1, 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल कंटेन एन एक्स्ट्रा सीट ऑफ, देखिए 2:1:1 टाइप में जो एक्स्ट्रा सीट है आज कंपेयर टू 2:1 वो कौन है, वो है ब्रूसाइट। मैंने आपको इसीलिए पिछले वाले स्लाइड पे ब्रूसाइट का जो ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है, ब्रूसाइट का सेंटर में कौन सा वाला एलिमेंट है, ये सारी चीज बता चुका हूँ। सो इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है इतना, 2:1:1 टाइप क्ले मिनरल में एक ब्रूसाइट सीट ज्यादा होगा ओके सिंपल। और अभी मुझे बताइए ब्रूसाइट में जो मैग्नीशियम है या फिर एल्यूमिनियम है कौन सा वाला एक्स्ट्रा सीट ज्यादा होगा। देन केमिकल फॉर्मूला सिडेराइट, सिडेराइट मैंने अभी बताया आपको। देन सिलिका इज टू सेस्क्योस ऑक्साइड, ये जो रेशियो है ये वैरी करता है डिफरेंट रीजन टू रीजन। यहाँ पे पूछा गया है ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा सिलिका तो नहीं मिलेगा, सिलिका जनरली डेजर्ट एरिया में मिलता है ओके। सो अगर ट्रॉपिकल रीजन पूछा गया है तो सिलिका कम होगा, इसलिए लेस देन 2। अब याद रख लीजिए अभी हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल, देखिए क्लेलाइजेशन जो प्रोसेस है क्या है, कैसे हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल क्लेलाइजेशन होगा, तो उस डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। सोलिडाइजेशन, सोलिडाइजेशन नाम से ही पता चल जाता है सोडियम से रिलेटेड है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोलिडाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्सेल साइट। देन पेडोटर्बेशन, पेडोटर्बेशन इज द मिक्सिंग ऑफ सॉइल, सिंपल आप याद रख लीजिए। क्लेलाइजेशन होता क्या है अभी मैंने बताया, क्लेलाइजेशन प्रोसेस ये रिलेटेड है हाइड्रोमॉर्फिक कंडीशन में, अगर वाटर लगिंग हो जाता है तो क्लेलाइजेशन सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो पहले क्ले का मतलब जान लेते हैं, क्ले इज ए रशियन ऑरिजिन ओके, ये जो टर्म है ये रशियन ऑरिजिन, क्योंकि जो क्लेलाइजेशन प्रोसेस ये जनरली रशिया में पाया जाता है जहां पे वाटर लगिंग होता है ओके। और क्ले का मतलब है ब्लू, ग्रे और ग्रीन कलर आप बोल सकते हैं। तो ऐसा कलर होराइजन क्यों आएगा, कोई भी जगह पे अगर क्या होता है लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल अबव द पेरेंट मटेरियल ड्यू टू पोर ड्रेन, देखिए ये जो सॉइल प्रोफाइल है ना लोअर पार्ट में, अगर इसका कलर इस क्ले के जैसा हो जाता है ड्यू टू पोर ड्रेनेज कंडीशन, मैंने अभी आपको बताया पोर ड्रेनेज कंडीशन मीन्स वाटर लगिंग कंडीशन मीन्स एस्पेक्सिया हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सो अगर ऐसा कंडीशन आएगा तभी क्लेलाइजेशन प्रोसेस हो पाएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया क्लेलाइजेशन का। देन MOH हार्डनेस स्केल, ये एक स्केल होता है जिसको यूज करके हम वो एक सब्सटेंस कितना हार्ड है उसको हम डिटरमाइन करते हैं ओके। आप ऐसे याद रख लीजिए हार्डेस्ट मिनरल, जो हार्डेस्ट मिनरल है वो है डायमंड, सो डायमंड हैविंग 10 MOH हार्डनेस स्केल, एंड सॉफ्टेस्ट मिनरल इज टाल्क, सो टाल्क इज 1। सो ये दोनों को रेफरेंस मान के हम बहुत सारे MOH हार्डनेस मिनरल का हम निकालते हैं। सो याद रखिए डायमंड इज द हाइएस्ट दैट इज 10 MOH हार्डनेस स्केल, एंड टाल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल दैट इज हैविंग 1 MOH हार्डनेस स्केल। Now comes to permafrost. Permafrost is a layer where soil temperature. देखिए permafrost नाम से ही पता चल गया होगा frost. तो frost मतलब बहुत ही low temperature means less than 0 degree Celsius. याद रख लीजिए.
which soil letter have highest area? देखिए इंडिया में ज्यादातर आपको इंसेप्टिसॉल मिलेगा, लेकिन आपको सारे के सारे सॉयल ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए. सो यू कैन रेफर आवर प्रीवियस वीडियो, दैट इज सॉयल ऑर्डर. जस्ट टाइप सॉयल ऑर्डर एग्रीसिल भी, इट विल कम. सो उसको देख लीजिए, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्लू दिया गया है, टेक्निक दिया है, जैसे कि आपको सारे के सारे सॉयल ऑर्डर आसानी से याद रह जाएगा. एंटीसॉल होता है एलुवियल सॉइल, बर्टिसॉल होता है ब्लैक सॉइल, अल्फिसॉल रेड सॉइल. एंड ये जो रेड सॉइल है, ये जो अल्फिसॉल, ये ज्यादातर तमिलनाडु में मिलता है. ओके, याद रखेंगे. देन व्हिच सॉइल ऑर्डर हैव नेग्लिजिबल एरिया? देखिए नेग्लिजिबल एरिया मतलब आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट बहुत ही कम है, सो नेग्लिजिबल एरिया वो है. तो आंसर होगा हिस्टोसॉइल, जो कि ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल है. तो ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल मतलब फॉरेस्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, जो कि मतलब सारे के सारे वर्ल्ड में कम है. सो लेस अगर पूछा गया तो हिस्टोसॉइल, अगर ज्यादा एरिया पूछा जाता है तो इंसेप्टिसॉइल. ऑक्सीसॉइल क्या होता है? लैटराइट सॉइल होता है, मोलिसॉइल होता है. ओके, ग्रासलैंड सॉइल होता है, मोलिसॉइल. ओके, तो बहुत सारे टेक्निक्स है, तो आप सॉइल ऑर्डर का वीडियो देख लीजिए. व्हिच मिनरल सब्सटेंस प्लेस्ड एट, देखिए ये जो MHO स्केल है, ये हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. सो 10 मतलब डायमंड, 1 मतलब टैल्क. सो ऐसे मिनरल का हम हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं. देखिए यहाँ पे पूछा गया है वोल्केनिक. देखिए वोल्केनिक ऑरिजिन दो तरह के होता है, एक होता है एक्सट्रूसिव, एक होता है इंट्रूसिव. अगर एक्सट्रूसिव पूछा जाता है तभी आपको क्लिक करना है बासाल्ट पे. याद रखिए BA फॉर एक्सट्रूसिव एंड GA फॉर इंट्रूसिव. ओके, याद रखेंगे. देन व्हिच इंडेक्स टू बी यूजफुल टू एक्सेस द डोमिनेटिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल? देखिए डोमिनेटिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए Y इंडेक्स, और इसको दिए थे मार्टिन एंड रसेल. याद रखेंगे ह्यूमस फॉर्मिंग फंगी. ओके, ह्यूमस फॉर्मिंग फंगी, देखिए ट्राइकोडर्मा तो नहीं होगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक पैरासिटॉइड है जो कि हम यूज करते हैं जो एग्रीकल्चर क्रॉप में, या फिर एंटेमोलॉजिकल मीन्स चीजें को, कोई भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं. ओके, ये फंगस जाकर पैथोजन टू इंसेक्ट देन उनको किल कर देता है. सो ये अच्छी बात है, हम इसको यूज करते हैं. पर ह्यूमस फॉर्मिंग फंगी अल्टरनेरिया एंड एस्पर्जिलस बोथ ए बी एंड सी, तो जहां पे दिखाई देगा वो उसको पहले प्रेफरेंस देना है. अगर आपको पता नहीं तभी तो बोथ बी एंड सी ही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर पाया जाता है 90% MCQ में ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ समथिंग ये आंसर होता है. रेड सॉइल कहां पे मिलता है? अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु में. थर्मल कंडक्टिविटी, देखिए इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कीजिए ताकि आसानी से याद रह जाए. पहले आप देखिए जहां पे आप सी बीच में गए होंगे ना, तो वहां पे सैंड बहुत ही ज्यादा होता है. सॉन में अगर सैंड में आप चलेंगे या फिर डेजर्ट एरिया में अगर आप चलेंगे तो सैंड बहुत ही ज्यादा हॉट है, और अगर डेजर्ट एरिया में कोल्ड एरिया में चलेंगे या फिर सी बीच में जो सैंड है उसमें अगर कोल्ड मतलब नाइट टाइम में चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है. इसका मतलब क्या है? सैंड बहुत ही जल्दी हीट गेन कर लेता है और बहुत ही जल्दी हीट रिलीज भी कर लेता है, इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है सैंड का, देन लोम का, देन क्ले का, देन फाइनली ऑब्वियसली पीट का. पीट मतलब बहुत ही जो ब्लैक कलर सॉइल होता है ना, पीट कलर, तो उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लेस होता है, क्योंकि वो एक बार आप सब कर लिया हीट तो बहुत ही देर तक रहता है. ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट अगर मोर देन 1.5% होगा सॉइल में, देखिए मीडियम पहले आप याद रख लीजिए 1 to 1.5 होता है ऑर्गेनिक मैटर का मीडियम. अगर मोर देन 1.5% होगा तो ऑब्वियसली हाई होगा, अगर लेस होगा, ओके याद रखिए अगर लेस होगा तो होगा लो होगा. तो लो मीडियम हाई वेरी हाई ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, उसे भूल जाइए. देन सॉइल प्रोफाइल हैविंग 2-16, देखिए 2-16 मतलब बाई टर्म तो आएगा, ट्राई तो नहीं आएगा ना, इसीलिए बाई सेक्योर प्रोफाइल होगा अगर 2-16 होता है तो. चेन्नोजोम, चेन्नोजोम सॉइल, देखिए चेन्नोजोम सॉइल आप रिलेट कर सकते हैं चेन्नोजोम चेन्नोबिल डिजास्टर, जो चेन्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहां पे जो चेन्नोबिल डिजास्टर हुआ था वो कब हुआ था? 1986 में. ये स्टैटिक जीके है, याद रख लीजिए. ओके, 1986 में जो चेन्नोबिल डिजास्टर हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था हमारे जो चेन्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यूक्रेन में. यूक्रेन में भी जो यूक्रेन में है वो तो USSR का पार्ट है ना, तो ये रशिया में है, तो वहीं से आप रिलेट कर लीजिए. चेन्नोजोम सॉइल में सॉइल भी रशिया से बिलोंग्स होगा. देन बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉन एक्सपैंडेड टाइप. देखिए 2:1 टाइप, 2:1 टाइप मतलब
मोंटेमोलाइट होगा या फिर इलाइट होगा। तो यहाँ पे नॉन एक्सपेंडिंग पूछा गया है तो होगा आंसर इलाइट। अगर एक्सपेंडिंग टाइप पूछा गया होता तो भी होता आंसर मोंटेमोलाइट। ओके, देन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिए थे? लाइबिग ने। सो वही पे आपको क्लिक करना है। न्यूट्रिएंट इंडेक्स देखिए 1.5 और 2.5, यहाँ पे एक रेंज दिया गया है 1.5 टू 2.5। सो ये आंसर मीडियम होगा। लेस देन 1.5 अगर न्यूट्रिएंट इंडेक्स होगा तो भी लो होगा और ये हाई होगा। बहुत सारे सिंपल सा चीज है। देखिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फर्टिलाइजर, देखिए AICRP बहुत सारे प्रोजेक्ट का चल रहा है ICR के थ्रू। तो या अगर सॉइल साइंस की बात किया जाए तो आपको फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट का याद रखना है 1972-71 यहाँ पे स्पॉन्सर हुआ था। ओके, टोटल नंबर ऑफ मास्टर होराइजन, देखिए मास्टर होराइजन बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे बुक को मैंने रेफर किया, कहीं पे 4 दिया गया है, कहीं पे 3 दिया गया है और कहीं पे 5 दिया गया है। अगर इस MCQ की बात करें तो यहाँ पे आंसर 5 दिया गया है। सो कुछ भी हो सकता है, मैं जनरली 4-5 में थोड़ा सा आपको 5 में क्लिक करना है। ओके, इफ 5 वॉज नॉट देयर देन यू शुड गो फॉर 4। तो कैसे याद रखेंगे? मास्टर होराइजन, मास्टर आपको थप्पड़ मारता है और आपके गाल में 5 फिंगर का मार्क रह जाता है। ओके, ऐसे रिलेट करके 5 याद रख लीजिए। मास्टर होराइजन कौन कौन है? मास्टर होराइजन वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो मास्टर होराइजन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं होराइजन बेस्ड ऑन कलर, रूट स्ट्रक्चर, रॉक फ्रेगमेंट्स। तो हम होराइजन को क्लासिफाई किए हैं। तो मास्टर सॉइल होराइजन आर डिपिक्टेड बाय कैपिटल लेटर। ओके, देखिए ओ होराइजन, मास्टर होराइजन, ए होराइजन भी एक और मास्टर होराइजन, ई होराइजन, बी सी। देखिए आर को हम काउंट नहीं करते इसीलिए 5 हो जाता है। अगर आर को काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, और कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में ओ को काउंट नहीं करते, आर को काउंट नहीं करते, तभी कितना होगा? 4 हो जाएगा। सो ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर 5 होता है स्टैंडर्ड, आर होराइजन को हम काउंट नहीं करते। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू शुड क्लिक। देन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी में, ये चैप्टर कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी से रिलेटेड है। दो इक्वेशन है, बेंसलो इक्वेशन एंड कैपोन इक्वेशन। जनरली हम यूज करते हैं कैपोन इक्वेशन, ओके, आयन एक्सचेंज थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, इफेक्ट ऑफ इरिगेशन वाटर ऑन सॉइल, देखिए यहाँ पे कैल्शियम मैग्नेशियम प्लस सोडियम, यहाँ पे जो कैल्शियम मैग्नेशियम दो है इसलिए 1/2, यहाँ पे कैल्शियम मैग्नेशियम दो है इसलिए 1/2 एंड यहाँ पे सोडियम है। ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखें, कैल्शियम मैग्नेशियम के साथ यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे सोडियम के साथ एक्स है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कॉन्स्टेंट की बात किया जाए तो ऊपर कैल्शियम मैग्नेशियम रहेगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ई का कैल्शियम मैग्नेशियम रहेगा। तो आप कुछ भी करके फोटोग्राफिक मेमोरी जैसा इसको याद रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बी होराइजन के बारे में पूछा गया है, बी होराइजन जनरली एब्सेंट है। देखिए इजी में याद रखने के लिए आप बी को ब्लैक के साथ मतलब रिलेट कर लीजिए। बी होराइजन एब्सेंट अगर पूछा जाए तो ब्लैक सॉइल में क्लिक करना है, क्योंकि बी में ब्लैक सॉइल आता है और बी होराइजन वहीं पे एब्सेंट है। देखिए और डेजर्ट सॉइल में, डेजर्ट सॉइल को आजोनल सॉइल बोला जाता है, क्योंकि वहां पे जोन परफोरेशन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए डेजर्ट सॉइल को आजोनल सॉइल भी बोलते हैं। रेड सॉइल को अल्फी सॉइल भी बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ। अल्फी सॉइल तमिलनाडु में ज्यादा पाया जाता है, ब्राउन हिल सॉइल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट ग्रास के बारे में पूछा गया है। सॉल्ट टॉलरेंट ग्रास मतलब ज्यादातर कन्नल ग्रास हरियाणा में पाया जाता है, आप रिलेट कर सकते हैं टाइपलेस फुस्का। ओके, इसका साइंटिफिक नाम है। देखिए पंजाब हरियाणा वो जो एरिया में डेजर्ट एरिया में, वहां पे जनरली जो सॉइल होता है उनमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। सालाइन सॉइल आप बोल सकते हैं, सोडिक सॉइल आप बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खराब सॉइल है वहां पे ये ग्रास होता है, कन्नल ग्रास, याद रखें। एपरेंट न्यूट्रिएंट रिकवरी ANR, ओके, ANR का फॉर्मूला क्या है पूछा गया है। इसको आसानी से याद रखने के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फर्टिलाइज माइनस अनफर्टिलाइज डिवाइडेड बाई एडेड इन 200। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में पूछा गया है, ANR मतलब एपरेंट न्यूट्रिएंट रिकवरी इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में देखिए कहाँ पे दिया गया है फर्टिलाइज माइनस अनफर्टिलाइज, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है देखिए फर्टिलाइज प्लॉट माइनस अनफर्टिलाइज प्लॉट डिवाइडेड बाई न्यूट्रिएंट एडेड इन 200, तो ये होगा आंसर। देन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब इशू हुआ था, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब इशू हुआ था इसको आप मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको आंसर दूंगा, पर इतना याद रख लीजिए।
जो हमारे इंडिपेंडेंस डे के बाद हुआ था। कैपोन सिक्वेशन, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कैपोन सिक्वेशन किससे रिलेटेड है, ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से रिलेटेड है इन इरिगेशन, इन रिलेशन टू इरिगेशन। ओके, इरिगेशन वाटर जो होता है ना, तो उससे रिलेशन है ये कैपोन सिक्वेशन। देन आयरन का एसेंशियलिटी देखिए, वो एस्टेब्लिश द एसेंशियलिटी ऑफ आयरन। आप ऐसे रिलेट करके याद रखिए कि आयरन एसेंशियलिटी, आयरन साइकिल, साइकिल हम किसे बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं ना, आयरन का साइकिल होता है। तो आयरन साइकिल आप चला के पहुंच गए ग्रीस में, तो आंसर हो गया ग्रीस। ओके, ग्रीस ने एस्टेब्लिश किए थे एसेंशियलिटी ऑफ आयरन। देन मेजर डिपोजिट जिप्सम, देखिए अल्किसोल का तमिलनाडु में है और जिप्सम का मेजर डिपोजिट आपको मिलेगा राजस्थान में। ओके, विच फॉर्मूला इज अप्लाई टू कैलकुलेट जिप्सम रिक्वायरमेंट, जिप्सम रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे यूनिट को नजर दीजिए पहले, एमसीक्यू डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, तो 100 ग्राम मतलब डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, तो डिनोमिनेटर कहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे दिया गया है जो ESP है, जो सोडियम परसेंटेज है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, वो अल्कली सॉइल में बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, याद रखेंगे अल्कली सॉइल में बहुत ही ज्यादा होता है। तो पहले आएगा ESP फाइनल, देन माइनस इनिशियल, देन डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पर 100 ग्राम पूछा गया है, देन इनटू CAC, याद रखेंगे, नॉट डिवाइडेड बाय CAC, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन को काट लीजिए, ऑप्शन ए होगा आंसर। ओके, सो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब हुआ था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 10 साल बाद हुआ था आजादी के, सो 1957 में हुआ था फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। और इसको थोड़ा नजर डालिए, ये जो प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस किया ना, तो उसको अच्छे से देखिए। मैंने बोला कि जो इनिशियल स्टेज में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल है, उसके बाद फाइनल में तो माइनस करेंगे आप इनिशियल से फाइनल, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लॉन्ग टर्म मैनुरियल ट्रायल, कहाँ पे मैनुअल ट्रायल हुआ था, तो ये होगा जहां पे रेड सॉइल ज्यादा हुआ था, जहां पे अल्फी सॉइल ज्यादा था, मतलब तमिलनाडु पे, याद रखेंगे कोयम्बटूर में मतलब मैन्योर ट्रायल हुआ था 1909। ओके, देन बाई सुपर जो फर्टिलाइजर है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंस क्या है, तो याद रखेंगे फॉस्फरस, सल्फर एंड बैक्टीरिया, और फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे देखिए फॉस्फोरिक एसिड क्या दिया गया है भाई, ये तो नहीं होगा, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट को हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं ना, तो ये होगा ऑप्शन ए होगा आंसर। देन हु डेवलप DTPA टेस्ट, देखिए DTPA टेस्ट के बारे में बहुत ही बार हमने MCQ में डिस्कस कर चुके हैं, सो ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना याद रखिए, जो DTPA टेस्ट है ये सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए ही ज्यादातर जाना जाता है। और MI टेस्ट जो हमने अभी देखा पहले वाले स्लाइड पे, जो फास्फोरस के लिए M टेस्ट वो किए थे, वो एक्चुअली इतना प्रैक्टिस नहीं है, DTPA टेस्ट अच्छा वाला माना जाता है। और इसको जो डेवलप किए थे वो है लिंडसे। ओके, लिंडसे। देन वॉन वेलमेलन फैक्टर, देखिए ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू 1.72 इंटू ऑर्गेनिक कार्बन, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन का 1.7 टाइम्स होता है ऑर्गेनिक फैक्टर। सो ये जो फैक्टर है ये दिए थे वेमलेन, सो इसलिए उनके नाम से हम ये जाना जाता है वॉन वेमलेन फैक्टर। सो आंसर होगा 1.72। स्टेम नोडुलेशन राइजोबियम में जो स्पेसिस में होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है एजियोसाइजोबियम। ओके, याद रखेंगे ऑप्शन सी। मैंने अभी आपको बताया DTPA मेथड से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का टेस्ट करते हैं, पर ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है। जो मिटले इक्वेशन में जो बोला था, मेलिच इक्वेशन पहले वाले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं, सो ये है एक्चुअली इफेक्टिव मेथड, पर ये कॉस्टली है, सो इसीलिए हम DTPA मेथड को यूज करते हैं बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्वांटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, पर मेलिच इसका थोड़ा एडवांस मेथड है आप बोल सकते हैं।